विजयनगर और देवपत्तन की स्थापना कराई। तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो है एक इनका पुत्र था, उस पुत्र का नाम था, एक छोटा अभिलेख लघु स्तंभ में इनके पुत्र का नाम तीवर मिलता है। तीवर जो है, तीवर इनके पुत्र का नाम मिलता है, एक लघु स्तंभ में ही इसका नाम मिलता है, बाकी किसी जो है ये पुराण जो है, भारतीय पुराण जो ब्राह्मण पुराण है, ये बृहदर्थ को मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं।
इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। इसका सेनापति जो था सेनापति सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग कहा जाता है कि जब ये सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो सेना का निरीक्षण करते समय पुष्यमित्र सुंग ने धोखे से इसकी हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग शासक बन जाता है और यह सुंग वंश की स्थापना करता है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वो बृहद्रथ होता है, ये अंतिम शासक रहता है। यहां से इसके अमात्य ने इसकी हत्या की और वो खुद शासक बन जाता है, अपने वंश के साथ सुंग वंश की स्थापना करता है। तो ये मौर्य वंश से संबंधित जानकारियां थी। हम अगली वीडियो में जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे कि किस प्रकार इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, बाजार व्यवस्था कैसी थी इनके, और इसमें एक सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन आएगा। अर्थशास्त्र में तीर्थ और अध्यक्ष क्या होते थे इनके बारे में हम डिटेल से वर्णन करेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था देखेंगे, बाकी जो भी होगी सामाजिक व्यवस्था सब की बारे में विशेष तौर से वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।